एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बीजेपी की जीत पर पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने दी पीएम मोदी को बधाई। लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी की जीत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं भाजपा और सहयोगियों की चुनाव जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। दक्षिण एशिया में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए उनके साथ काम करना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पहले इजराइल, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उनके साथ करीबी सहयोग बनाकर काम करने की इच्छा जताई है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड मोदी लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों के साथ फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को जारी मतगणना की ताजा जानकारी के अनुसार भाजपा 299 सीटों पर आगे चल रही थी। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 गांधीनगर में 5,94,000 वोटों से जीते अमित शाह। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 के नतीजों का फाइनल राउंड चल रहा है, वोटों की गिनती जारी है। रिजल्ट आते ही पीएम मोदी ने अपने ट्विटर से चौकीदार को हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी सफलता के बाद अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा लिया है। इससे पहले कांग्रेस के चौकीदार चोर है के नारे के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, देशवासियों ने चौकीदार बनकर राष्ट्र की सेवा की। चौकीदार भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद की बुराई के खिलाफ भारत के रक्षकों का मजबूत प्रतिम बन चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस भावना को नए स्तर पर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए सतत प्रयास की जरूरत है। हार की जिम्मेदारी लेने के बाद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 में भाजपा मिल रहे प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने अमेठी सीट से भी हार मानते हुए स्मृति ईरानी को जीत की अग्रिम बधाई दी। जानकारी के अनुसार राहुल ने सोनिया के सामने की अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। सोनिया और वरिष्ठ नेताओं से समझाया कि पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। इसके बाद राहुल रुक गए। एक हफ्ते में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राहुल इस्तीफे की पेशकश करेंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।